महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रही राजनीतिक व कानूनी लड़ाई की गूंज सुनाई दे रही है। शिवसेना के प्रद्योत भरत गोगावले ने रविवार को शिवसेना के सभी 55 विधायकों को व्हिप जारी किया है। इस व्हिप के चलते ठाकरे गुट के नेता आक्रामक हो गए हैं। ठाकरे गुट के विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि शिंदे गुट के नेता हमें व्हिप के नाम पर डरा रहे हैं, लेकिन हम उनकी इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं। ऐसा है कि वो शिंदे गुट के लोग बाहर मीडिया के सामने अलग अलग तरीके से हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम लोग व्हिप जारी करेंगे, हम लोग व्हिप के आधार पे हमें सस्पेंड करेंगे। मैं उनको इतना ही कहता हूँ कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री आपने नीचे खींच लिया, उद्धव बाला साहब ठाकरे को आपने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में हाथ मिला के सत्ता पे पदच्युत किया, इससे भी हमारे 40 आमदार वहाँ गए, हमारे ऊपर केसेस हो गई, हमारे घर जलाने तक तुम्हारी हिम्मत हो गई, हम कहीं भी कुछ भी स्पीच दे तो हमारे ऊपर बहुत सारी केसेस, हमारे ऊपर ACBC के नोटिस। इतना डरा धमका के हम डरे नहीं, तो ऐसे भीप की हमको डरावनी बातें मत करो, ऐसे बातों को हम भीग गालने वाले नहीं। वही ठाकरे गुट के विधायक के इस विधान पर शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि हमारे मुख्य प्रतोद द्वारा जो व्हिप जारी किया है ये प्रेजेंटी के लिए है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका ही पालन सभागृह में होगा, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं होगा। जो व्हिप हमारे मुख्य प्रतोद ने दिया है वो सिर्फ प्रेजेंटी के लिए है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए है उसका ही पालन सभागृह में होगा, उसको कोई भी ओवर रूल नहीं करेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसका तंतोतंत पालन किया जाएगा।